राधे राधे सभी को। योर ओन उजागर शर्मा यूनिवर्सिटी एथलीट अकेडमी से आपका हार्दिक स्वागत करता है। सो वी विल डिस्कस टू अबाउट ऑफ HGH, व्हाट इज HGH, हाउ टू यूज HGH। तो आज हम बात करने वाले हैं HGH होता क्या है, हम कैसे यूज करते हैं, इसका पर्पज क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या हैं। तो ये नॉलेज आपको एक यूट्यूब पर, गूगल पर मिलेगी जो मेरे द्वारा जो प्रोवाइड करा रहा हूँ, जी मैंने बहुत बुक्सों में प्रैक्टिकल भी किसी के द्वारा करा के जो दे रहा हूँ, ये प्रोवाइड यूट्यूब करा रहा हूँ आपको, ये ऐसे नॉलेज दे रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इसका इन्वेंशन कब हुआ, कैसे हुआ और कब इस पर बैन लगा। तो यूरोप में सबसे पहले 1987 में इसका इन्वेंशन हुआ, उसके बाद अमेरिका में इसका 1989 में इन्वेंशन हुआ। धीमे धीमे ये सबसे पहले जब इन्वेंशन हुआ था तो ये मेडिकल पर्पस से इन्वेंशन किया गया था और मेडिकल यूज में ही इसे यूज करते थे। तो डॉक्टर्स लोग होते थे तो वो पुअर ग्रोथ, मसल्स लॉस होती हैं, वीक बोन होती हैं, किडनी डिसीज होती है, तो इनके लिए सजेस्ट करते थे। फिर धीमे धीमे पॉपुलर होता गया। उसके बाद एथलीट्स हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, मार्केट में इतना पॉपुलर हो गया कि एथलीट बॉडी बिल्डर इसको डेली डोजेस पर यूज करने लगे। इसको हम सोमोट्रोपिन के नाम से भी जानते हैं। तो दिस इज ए पावरफुल एनाबॉलिक स्टेरॉयड, हम इसको स्टेरॉयड भी नहीं बोल सकते, दिस इज ए पावरफुल एनाबॉलिक हार्मोन, ये एक सप्लीमेंट, हम स्टेरॉयड भी नहीं बोल सकते इसको, ये एक सप्लीमेंट है। ये हमारी बॉडी में रिजनरेशन करता है और मसल सेल की ग्रोथ करता है, इसका ये वर्क रहता है हमारी बॉडी में। जब हम HGH इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी में तो कुछ घंटों के लिए ब्लड स्ट्रीम में स्टोर होता है। जैसे हमने HGH इंजेक्ट किया तो कुछ आवर्स के लिए हमारी ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट स्टोर रहेगा। उसके बाद लीवर का क्या करता है, लीवर इसको IGF-1 में कन्वर्ट कर देता है। ब्लड स्ट्रीम में स्टोर हुआ, लीवर का काम हुआ, लीवर इसको IGF-1 में कन्वर्ट करेगा। अब IGF-1 क्या होता है, IGF-1 हमारा एनाबॉलिक प्रॉपर्टी को इंक्रीज करता है। अब एनाबॉलिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एनाबॉलिक प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो मसल्स गेन, फैट लॉस, जो वर्कआउट को मतलब अच्छी परफॉर्मेंस पे लाती हैं, वो एनाबॉलिक प्रॉपर्टी होती हैं। सबसे पहले ब्लड स्ट्रीम में स्टोर हुआ, देन लीवर IGF-1 में कन्वर्ट हुआ, देन IGF-1 ने एनाबॉलिक प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया, ये इसका वर्क होता है। ये सिंथेसिस को भी इंक्रीज कर देता है। तो एक बात बताऊं मैं आपको, मैं इसको आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको यूज करो, ऐसा कुछ नहीं है। बस मेरा एक ही पर्पज है, एजुकेशन के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड कराऊं, बस आपको नॉलेज मिले, नॉलेज गेन हो, बस यही पर्पज है मेरा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको ये लेना ही लेना है, इससे परफॉर्मेंस आपकी इंक्रीज होगी, ऐसा कुछ नहीं है। बट आपकी थोड़ी माइंड में, मेंटली में एजुकेशन आ जाए, इसलिए मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो मार्केट में आपको इसकी असलियत नहीं पहचान सकते कि ये फर्जी है या लोकल है, ऐसा कुछ नहीं है। बट इसमें एक ही, इसकी एक पहचान है, HGH की इफिशेंसी होती है वो 2 डिग्री से 8 डिग्री तक होती है, मेंटेन रहता है। अगर इससे कम है या ऊपर ज़्यादा है तो इफेक्टिव नहीं होगा। अगर इन दोनों के बीच में, इन बिटवीन 2 डिग्री एंड 8 डिग्री, तो ये काम करेगा तुम्हारा HGH, मतलब ओरिजिनल है ये, इसका पर्पज है। आपको जो था मैंने आपको बता दिया, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है HGH के बारे में। कोई बोलता है कि इससे ये होता है, सब कुछ भी नहीं है। सो गाइज, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, कमेंट करना। अगर आपको और भी किसी सप्लीमेंट्स या स्टेरॉइड्स के बारे में नॉलेज लेनी हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लाइक करें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैं बायो मेंशन कर दूंगा, वहाँ जाके आप क्लिक कीजिएगा और DM कीजिएगा मुझे, जो आपकी क्वेरीज हैं और जो मुझसे पूछना चाहते हो, जो आगे वीडियो लेना चाहते हो, तो उसके लिए मुझसे बात कीजिएगा। और मैं एक एथलीट हूँ और मैं हाथरस में रहता हूँ, UP में पड़ता है। और जो मेरे कोच हैं वो लोकेंद्र पचारा हैं, 110 हर्डलर, वो हर्डल इवेंट करते हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं। जो हमारी एक स्टार्टअप हुआ है मतलब अकेडमी का, वो यूनिवर्स एथलीट अकेडमी नाम से हुआ है। जो मेरे कोच हैं उन्होंने स्टार्टअप किया, इन्वेंशन किया है यूनिवर्स एथलीट अकेडमी। आप ज्वाइन कर सकते हैं उनको, उनसे बात कर सकते हैं ट्रेन के लिए। तो उनकी भी आईडी मैं आपको मेंशन करूंगा उसमें। तो उनकी आइडिया वैसे लोगिन पचेरा, 110 हार्डलर। सो गाइस, थैंक यू, सपोर्ट करें, कमेंट करें और मुझे छोटा भाई समझ के सपोर्ट करें।